हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, RRC NR गोरखपुर अप्रेंटिस भर्ती 2023 को लेकर बड़ी अपडेट निकल गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर की ओर से ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए 1104 पदों पर अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकली थी, जिसका ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म है वो 24/12/2023 तक भरा गया था। दोस्तों, इसमें हजारों कैंडिडेट ने अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था। लगातार कैंडिडेट इसके कट ऑफ मार्क्स और रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, अब RRC NR अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2024 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट है वो जारी कर दिया गया। इसके साथ ही इनकी कट ऑफ है वो भी जारी कर दी गई। कट ऑफ आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिल जाएगी। जो कट ऑफ मार्क्स है वो 10th के मार्कशीट प्लस जो ITI में आपने जो मार्क्स प्राप्त किए उसके आधार पे किए गए हैं। तो दोस्तों, अपन सबसे पहले तो चलेंगे इसके कट ऑफ मार्क्स पे, उसके बाद चलेंगे मेरिट लिस्ट पे, ये जानेंगे कि उसमें क्या क्या कैंडिडेट के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए, कैंडिडेट की रिपोर्टिंग डेट क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैंडिडेट को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिसपे मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूँ। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिसपे हम लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाल जाती है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों, ये कट ऑफ मार्क्स की PDF है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नोट्स से ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर एक्ट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 2023। तो इस कट ऑफ मार्क्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर सेलेक्टिंग द कैंडिडेट्स फॉर द एक्ट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग द कैंडिडेट्स हैव बीन कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ परसेंटेज ऑफ हाई स्कूल एंड ITI मार्क्स एज पर डिटेल प्रोवाइड बाई द कैंडिडेट इन द अप्लीकेशन फॉर्म। द कैटेगरी वाइज कट ऑफ परसेंटेज फॉर वेरियस ट्रेड्स आर गिवन बिलो, यानी जो कैंडिडेट ने ऑनलाइन अप्लीकेशन में जो अपने मार्क्स फिलअप किए थे उसके 10th और ITI के जो एवरेज मार्क्स है उसके आधार पर मेरिट लिस्ट है तैयार की गई है। अब इन कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। सबसे पहले तो ट्रेड का नाम दिया, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, मैकेनिक, डीजल पेंटर, ट्रिमर, टर्नर और वेल्डर के लिए ये कट ऑफ मार्क्स जारी किए गए हैं। यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो, अनरिजर्व EWS SC ST OBC एक सर्विसेशन फिजिकल डिसेबल पर्सन की मेरिट है कितनी कितनी रही है, तो आप यहाँ से कट ऑफ मार्क्स वो चेक कर सकते हो और आपके कितने मार्क्स वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। अब बात है कि अपने इसकी जो मेरिट लिस्ट है उसके ऊपर कि कितने कैंडिडेट को इसमें शॉर्ट लिस्ट किया गया, उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या डेट रखी गई उसके ऊपर अपन चलते हैं और मेरिट लिस्ट में क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, ये आप देख पा रहे रेलवे भर्ती सेल पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर एक्ट अप्रेंटिस अधिसूचना एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग नोटिफिकेशन 2023। लिस्ट ऑफ अप्लीकेंट कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर एक्ट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट, यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए विवरण के आधार पर पत्र पाए गए निम्नलिखित अभ्यर्थियों के उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि है समय पर प्रलेख सत्यापन हेतु बुलाया गया, यानी जिन कैंडिडेट का नाम लिस्ट में दिया गया उन कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाया गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है वो उनके नाम के आगे वहाँ पे दी हुई है। अभ्यर्थी कृपया निर्धारित तिथियों समय पर प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी कार्यालय पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के मुख्य गेट पर रिपोर्ट करें। नियत समय पर रिपोर्ट नहीं करने वाले अभ्यर्थियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, यानी जो एड्रेस दिया हुआ इस एड्रेस पर कैंडिडेट को जो टाइम दिया हुआ उसके ऊपर पहुंचना जरूरी। यदि कैंडिडेट लेट हो जाता है किन्हीं कारणवश तो कैंडिडेट को उसके बाद में एंट्री नहीं दी जाएगी। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट को क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जानकारी, ए प्रिंटेड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी प्रिंटेड कॉपी लेके जानी है, 10th की जो मार्कशीट है वो लेके जानी है ओरिजिनल, उसकी फोटोकॉपी लेके जानी है, ITI के सर्टिफिकेट है ओरिजिनल उसकी फोटोकॉपी लेके जानी है, मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट जो कि गवर्नमेंट ऑथराइज डॉक्टर के द्वारा जारी किया गया जिसका फॉर्मेट भी आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया हुआ है तो वो भी कैंडिडेट को तैयार करवा के लेके जाना है, एक वैलिड फोटो ID कार्ड ओरिजिनल उसकी फोटोकॉपी लेके जानी है, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स वो लेके जानी है। इसके अलावा कैंडिडेट ने यदि कोई रिजर्वेशन प्राप्त किया तो रिजर्वेशन कैटेगरी से संबंधित डॉक्यूमेंट लेके जाने, कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे ओरिजिनल फोटोकॉपी लेके जाने, फिजिकल डिसेबल पर्सन को अपने फिजिकल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट ओरिजिनल फोटोकॉपी लेके जाने, यदि किसी एक सर्विस मैन ने इसमें अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया उसका सिलेक्शन हुआ तो कैंडिडेट को यहाँ पे जो उसके डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे लेके
जाने जरूरी निर्धारित तिथि को नियत समय पर रिपोर्ट नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। तथापि किसी अपरिहार्य कारण ने जो उसके नियंत्रण से बाहर उसे नियत तिथि को डॉक्यूमेंट हेतु उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थी को 17/5/2024 को प्रातः 10 बजे दस्तावेज सत्यापन हेतु रिपोर्ट कर सकते हैं। यानी किसी कोई के ऐसी इमरजेंसी कारण हो गया जिस वजह से कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुंच पाता है, जो कि प्राकृतिक रूप से कई ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है, जैसे मान लो कहीं पे किसी के परिवार में कोई ट्रेजडी हो गई या कहीं पे कोई क्लेमिटी हो गई, प्राकृतिक आपदा आ गई, तो ऐसी स्थिति में कैंडिडेट है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 17/5/2024 को किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन में कैंडिडेट के सारे डॉक्यूमेंट्स उसके जांच की जाएगी, यदि किसी ने कोई गलत सूचना भरी है तो उसका कैंडिडेट यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नोट्स दिए हैं, सूची में अभ्यर्थी को का क्रम उनके रजिस्ट्रेशन नंबर के क्रम में है, प्रशिक्षण हेतु अंतिम चयन उन द्वारा पात्रता के सभी शर्तें पूरी करने, हाई स्कूल में न्यूनतम 50% मार्क्स और आईटीआई दोनों में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए अंकों के आधार पर औसत के आधार पर किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए डॉक्यूमेंट्स और ट्रेनिंग हेतु सेलेक्टेड कैंडिडेट को रेलवे अप्रेंटिसशिप में किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अभी आप नीचे आप डॉक्यूमेंट देख सकते हो, ये क्योंकि नाम सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया, फिर नेम दिया, फिर फादर का नेम दिया, फिर आईटीआई का ट्रेड दिया, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट दी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की टीम दी, फिर टाइमिंग यहाँ पे दे रखा है, जिसे 23/4 को भी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट होगा, यहाँ पे टीम दे रखी है बी, और टाइमिंग है 9:30 दे रखा है, यहाँ पे ट्रेड है वो सभी का अलग अलग दिया, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट भी सभी के लिए अलग अलग दी है। तो कैंडिडेट है अपना नाम है, इसमें केयरफुली जांच कर ले, क्योंकि लिस्ट है वो काफी लंबी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की टीम भी यहाँ पे अलग अलग बना की, टोटल 73 पेज की पीडीएफ बनी हुई है, जिसमें काफी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया, क्योंकि वैकेंसी भी 1100 से ज्यादा पदों के लिए वैकेंसी ये निकाली गई थी। यहाँ पे ट्रेड वाइज लिस्ट नहीं देखी, यहाँ पे कैंडिडेट के जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उनके वाइज यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, तो ऊपर यहाँ पे ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इसमें कौन सी ट्रेड के लिए कितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया। तो कैंडिडेट अपने पीसी में या फिर मोबाइल में इस लिस्ट को डाउनलोड करके अपने जो डिटेल्स है वो अच्छी तरीके से चेक कर ले, कैंडिडेट जब इंश्योर हो जाए कि उनका सिलेक्शन हुआ है तो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी अभी आपको बताए हैं सारे डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट को तैयार करवाने, और कैंडिडेट को तैयार कराने के बाद जो एड्रेस दिया उस एड्रेस के ऊपर कैंडिडेट को निर्धारित जो डेट दी और जो टाइमिंग दिया उसके ऊपर पहुंचना जरूरी है। दोस्तों रेलवे अप्रेंटिसशिप में कैंडिडेट का सिलेक्ट होने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कैंडिडेट को यदि अप्रेंटिसशिप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद कैंडिडेट को रेलवे के ग्रुप डी में 20% रिजर्वेशन दिया जाता है, जो कि कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छी बात है। दोस्तों इस पीडीएफ का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके केयरफुली चेक कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना, धन्यवाद।